याली मदद, मेरी मौतबाना गुजारिश है, आजिजी के साथ गुजारिश है, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये तमाम चीज़ें इसलिए बनी हैं कि हम इसका इस्तेमाल इल्म के लिए करें। इल्म हमारा कुरान है, फरमान है, ज्ञान है। हिंदुओं की किस्से कहानियाँ, हिंदुओं की चीज़ों को हम छोड़ें, मेहनत से छोड़ें। ये किस्सा जो भी बयान हुआ, इसी का मुस्लिम किस्सा नाइट स्कूल की किताब में है। कौन सा किस्सा है? एक टीचर बच्चों को कहती है कि जाओ आप एक एप्पल काट कर लाओ वहाँ जाके जहाँ खुदा नहीं है। तमाम बच्चे एप्पल काट के लाते हैं सिवाय एक बच्चे की। वो कहता है कि मुझे वो जगह ही नहीं मिली जहाँ खुदा नहीं है। हमारे पास किस्से कहानियों की कमी नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत होनी चाहिए कि हम मुस्लिम स्टोरीज़ को, मुस्लिम स्कॉलर्स को, हमारे कुरान में जो कहानियाँ इसको पढ़ें, समझें, उसका कोटेशन दें। क्योंकि हमको बदलना है, हमको पहले मुसलमान होना है। हमारा जो चोरी जो हो रही ना, हमारी जो गड़बड़ हो रही ना, क्योंकि हम नीचे की क्लास में चले जाते हैं। एक वक्त तक वो सही था, गलत नहीं है, लेकिन वो नीचे की जमात का था। अब हमने वो जमात पास कर ली है, अब हमें आगे आना है। तो व्हाट्सएप पे जो बहुत हज़ारों की तादाद में चीज़ें आती हैं, उसको आप ना देखें। मुझे कुछ वीडियो आई, माफ़ी के साथ मैंने क्लिक भी नहीं किया। अगर इल्म की बात होगी तो ही इसको मैं क्लिक करूंगी। मुझे पता है किससे आ रही है, और अगर आप इल्म बताने वाले देने वाले हैं उसी को मैं क्लिक करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। मैं माफ़ी के साथ बता रही हूँ। मुझे आप वाजे भेजेंगे जो 20 साल 25 साल पुरानी हैं, मैं नहीं क्लिक करूंगी। मुझे आज की आप ताज़ा बात बताएं, इल्म की बात बताएं, क्योंकि मेरा इमाम, मेरा मौला जिंदा जावेद है, जो मुझे आज के ज़माने की तालीम दे रहा है, तो मैं क्यों ना। मुझे मुस्तजीब इसलिए कहना पड़ता है, हुदूद दीन के दर्जात को नीचे से इसलिए समझाना पड़ता है कि तालीम नहीं, हमें पता नहीं है। वरना आज तो मैं दाई हूँ और आप भी दाई हैं, हम क्यों बातें करेंगे मुस्तजीब की? करनी इसलिए पड़ती है कि हम दाई को समझ सकें, वरना वो भी पुराना स्टेज। आप तमाम मुस्तजीब बहुत ज़माने पहले बन गए, आप तमाम माजून हैं, लेकिन सिखाने के लिए, समझाने के लिए ये बात करनी पड़ती है। तो समझ रहे, अपने आप को अकल से पहचाने। एक क्लिक किया, मेरा एक मिनट चोरी हुआ, दो मिनट चोरी हुआ, मैं क्यों डालूं? ये बाजियां हैं, ना डालें। सोशल मीडिया ये सब है, ये हमारे लिए बना है कि हम इसको इस्तेमाल करें आगे बढ़ने के लिए। फटाफट जो देखा शेयर करना, या शेयर हुआ उसको देखना, इसने क्या भेजा है, ना करें। अब हम तीसरे आर्टिकल को रिव्यू करते हैं, और ये आर्टिकल एक्चुअली हमने बीबी फातिमा की तस्बीहात में किया है। ये है तस्बीह अल्लाह अकबर। और आपको पता है कि जब किताब पब्लिश हुई तो हमने अली अल्लाह अकबर को बदल के अल्लाह अकबर कर लिया, क्योंकि इस किताब में बाद में समझाया जाता है कि हम अली अल्लाह क्यों कहते हैं, लेकिन चूंकि आप तो अली अल्लाह ही हैं तो आप इसको अली अल्लाह अकबर ही पढ़ें। मतलब हमें पता है कि अल्लाह अजीम है, अल्लाह बड़ा है, और इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमने बीबी फातिमा की स्टोरी में कर ली है। तो जो दोस्त जानना चाहते हैं अल्लाह अकबर, तो वो नाचिस का एक लेक्चर है तस्बीहात का, बीबी फातिमा की स्टोरी, लव स्टोरी, उसको ज़रूर सुनो, तो इसके मायना समझ में आ जाएंगे। फिर इस आर्टिकल में जो है वो नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमईना की बात की गई है, जिसकी भी बात हमने की है, तो हम उसको रिपीट नहीं करते हैं। फिर दुआएं हैं। इससे पहले, दुआओं से पहले इमाम का एक फरमान है, मौला फरमाते हैं, मोमिन हमेशा खुशी में रहता है क्योंकि वो रूहानी मस्ती में होता है। ये वो मस्ती है जो हमें चाहिए, हर वक्त चाहिए। हमारा ये हमारी मंजिल है, रास्ते पे हमें अब चलना है। मौला फरमाते हैं कि रास्ते में पत्थर पड़े हों उसे हटाकर रास्ता साफ कर देते हैं। अब चलना या ना चलना तुम्हारी अपनी मर्जी है। दुआ है, या मौला हमें सीधे रास्ते पर इस्तकामत से चलने की तौफीक दे, ताकि एक लम्हा भी हम गुमराही में ना पड़ें। एक लम्हा भी, एक लम्हा। या मौला हमें पाक और पाकीज़ा कर जैसा कि तू है। हमारी ख्वाहिश है, हमको मौला के साथ एक होना है। ऐसे गंदगी के साथ क्या मौला के साथ हो सकते हैं? हमें पाक और पाकीज़ा कर जैसा कि तू है, ताकि हम तुझ में एक हो जाएं। आमीन। या मौला हमारी दस्तगीरी फरमा, अली अल्लाह मदद फरमा। आमीन, आमीन, इलाही आमीन।
फिर हम चौथी तस्बीह भी करते हैं यहाँ पर। चौथी तस्बीह जो है रफ़ी दर्जाते ज़ुल अर्श। तो ये तस्बीह जो है कुरान से ली गई है, जिसका रेफरेंस है 40:15, या रफ़ी दर्जाते ज़ुल अर्श, ऐ वो जो दर्जात को बुलंद करने वाला है, कहाँ तक? अर्श। खुदा ने दुनिया बनाई, खुदा फरमाते हैं सूरह हूद की 7:11 है, जिसमें खुदा फरमाते हैं कि मैंने 6 दिन में दुनिया बनाई। गौर कीजिएगा, 6 दिन में दुनिया बनाई। 6 दिन कौन से? आदम, नौ, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद। 7वें दिन शनिचर के दिन मैं तख्त पर बैठ गया, ठीक है, ताकि मैं आपको इल्म और अमल में आजमान। इल्म और अमल, इल्म और अमल, जो इल्म में पूरा होगा, जो अमल में पूरा होगा, वो दर्जात की बुलंदी को पा लेगा। कहाँ तक? अर्श तक। बात वही है, अल्फाज दूसरे हैं। क्या है अर्श? इमाम में फना फिरना, जिंदगी में फना फिरना, ताकि बका बिल्ला फिर सैर फिरना। अब क्यों हमने इसको इतनी मुश्किल अल्फाज में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यकीन आए, जितना ज़्यादा बोलेंगे यकीन आएगा। यकीन आएगा तो क्या होगा? इश्क आएगा, खुशी होगी, खुशी होगी, मोहब्बत होगी, मोहब्बत होगी, दर्जात बुलंद होंगे, दर्जात बुलंद होंगे तो क्या होगा? रूहानी मस्ती आएगी। मौला ने क्या कहा कि अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो लाइट जलेगी, लेकिन स्विच ऑन करना, तुम्हारा पगना नीचे खजाना नो ढेर से, तुम्हें पग आया कि वहाँ नहीं करता कि खजाना तुम्हारा हाथ में आ गई जाए, है ना फरमा। फिर हमारी तारीख में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिन्हें इमाम जमान की तरफ से ये नवाजिश हुई, जैसा कि पीर नासिर खुसरू, पीर सदरुद्दीन, और भी कई मिसालें हैं जिन्होंने हकीकी इल्म को हासिल किया, अपने दर्जात को बुलंद किया। अजीब बात जो है वो ये कि पीर सदरुद्दीन की मिसाल को देखें और पीर नासिर खुसरू की, वजह है कि इन दो की मिसालें यहाँ दी गई हैं। क्यों? ये दो वो हजरात हैं, पीर नासिर खुसरू ने इमाम की दीदार ज़िंदगी में एक दफ़ा की, पीर सदरुद्दीन 6-8 महीना साल चल के इमाम तक पहुँचते थे, ज़िंदगी में दो बारी दीदार किया, ठीक है ना, दो बारी दीदार किया। उन्होंने कितने गिनान लिखे, कितनी किताबें लिखी, बेइंतहा किताबों की, गिनानों की लाइक हंड्रेड्स में नंबर है। कैसे मुमकिन हुआ? जिन्होंने दर्जात को बुलंद किया उनको इमाम ने बातिन में आके इल्म दिया, उनको इल्म लदूनी, ऐसा इल्म जो इमाम डायरेक्टली दिल पर नाजिल करता, इल्म लदूनी, किताब का इल्म नहीं। शुरू में हमें मेहनत करनी होती है, किताबों को पढ़ना होता है, अपने आप को पाकीज़ा करना होता है गिरियाज़ारी से, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम खुद को सुनते हैं, ये तो मुझे बात मालूम नहीं थी कि इल्म कहाँ से आया, फिर एहसास होता है कि ये तो माजिज़ा हुआ। क्या करेंगे हम? सुजूद में जाएंगे, कहेंगे शुक्रलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कि तूने इतनी रहमत की मुझ पे मौला, मैं तो इस काबिल नहीं थी। तो वो बातिन में इल्म देता है, उसने क्या कहा, ये मेरा ख़जाना किसके लिए है? मेरे प्यारे रूहानी बच्चों के लिए। तो तस्बीह क्या हुई? या रफ़ी दर्जाते ज़ुल अर्श, सही। फिर नासिर खुसरू अपनी किताब में फरमाते हैं वजह दीन में, 24 हुज्जत दुनिया में हर वक्त होते हैं, 24 पीर दुनिया में हमेशा होते हैं, जिनको 12 जजीरों में तकसीम किया जाता है। यही बात सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपने मेमोर्स में कही है, कि दुनिया में हर वक्त पूरी दुनिया को 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और इन 12 हिस्सों में 24 पीर हमेशा होते हैं, 12 हुज्जत रोज़ यानी कि दिन की तरह, यानी कि हम चाहें तो उनको पहचान सकते हैं, उनकी शनाख्त कर सकते हैं, क्योंकि वो इस्माइली मज़हब में ही होते हैं, और 12 ऐसे होते हैं जो शायद इस्माइली हों ना हों लेकिन वो इमाम के मिशन पर काम करते हैं। तो हर हिस्सा यानी कि जो जजीरा जिसे कहते हैं, उस पर एक पीर होता है, उस पीर के नीचे दाई काम कर रहा होता है। आज तो कितने दाई हो गए, इस्माइली जमात पूरी की पूरी दाई हो गई, लेकिन पोटेंशियली भी
एक्चुअली कितनों को एम है, कितनों को समझ है, हमें एक्चुअल में बनना है। तो आज ऐसा दौर है, ऐसा अजीब व गरीब दौर है कि भरमार है दायों की, एम की कमी नहीं है। जो मेहनत करेगा उसको एम हासिल होगा और फिर आगे के रास्ते खुले हैं। फिर बनना है, इमाम में एक होना है, अपने आप को इमाम बनाना है, ये बात दूर की नहीं। ये बात हम बोलते हुए डरते थे ना, लेकिन आज इल्म में समझ सकते हैं कि हम इमाम बन सकते हैं। मोमिन बहुत सारे ऐसे हैं जो इमाम में एक हो चुके हैं, कभी कहेंगे नहीं, जैसे रहीम बसरिया ने नहीं कहा, कभी नहीं कहेंगे, वो आजिज़ी में रहेंगे। वो कौन से इमाम होंगे? अगर मैं दर्जात से आपसे सवाल करूँ, सिर्फ मुझे एक लफ्ज़ में जवाब दें, अगर कोई मोमिन इमाम बन जाता है इमाम के साथ फना हो के, तो वो कौन सा इमाम कहलाएगा? मुस्तौदा। सुभान अल्लाह, शाबाश, वो मुस्तौदा इमाम हो, इमाम होगा। हम शायद पहचानेंगे नहीं, क्योंकि वो मोमिन इतना आजिज़ होगा, वो कभी नहीं कहेगा। मोमिन क्या कहता है कि मैं आपके पैरों की धूल, हमेशा आजिज़ रहता है, वो गुरूर नहीं करता, कभी भी नहीं कहता है कि वो उसका दर्जा इतना बड़ा है। हमारे सामने मिसाल है रहीम बसरिया की, फिर सब्ज़ा अली की। पूछो कि अगर कुछ दर्जा बढ़े और बात हो गई किसी से, खुल गया, तो क्या वो गुनाह में शामिल है? हालांकि मौला ने मना किया है कि नहीं, इससे फिर तुम ज़हनी परेशानियों में। इसका इसका दो लेयर्स में जवाब है। सबसे पहली लेयर तो ये कि जब हम हकीकी इल्म में आते हैं ना, ऐसे इल्म में आते हैं, हमें रोज़ा रखना होता है, हमें किसी को ये इल्म नहीं देना होता। जब तक आप स्टूडेंट हैं आप इसको इल्म नहीं दे सकते, आप नहीं बता सकते हैं कि आपके रूहानी तजर्बात क्या हो रहे हैं। हाँ बता सकते हैं किसको, अब ये ग्रुप एक हो गया, आप अहद में बंध गए हैं कि आप यूनाइटेड रहेंगे, आप आपस में शेयर करेंगे, क्योंकि समझना है ना, बताना है, समझना है। आजिज़ी से बताएंगे, बाहर नहीं बताएंगे। क्यों? इसकी दो वजह है। नंबर एक, अगर आपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है, अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप उस्ताद से सवाल करेंगे तो समझ में आएगा ना कि क्या आप एक्सपीरियंस किया है, नंबर एक। नंबर दो, जब आपस में शेयर करेंगे तो क्या होगा, वो बहन कहेगी अच्छा ऐसा होता है मेरे साथ, ऐसा समझ आ गई तो बहुत अच्छी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सबने मिलकर तस्वीर निकाली। क्यों? कि इस बहन का माजिज़ा मैंने यकीन किया, मेरा भी हुआ। तरक्की किसकी हुई? इसकी भी हुई, मेरी भी हुई, क्योंकि मैंने यकीन किया ना। मैंने यही कहा, ऐसा क्यों, तेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, तू ये करती है, मैं भी ये करती हूँ, ख़त्म, ज़ाया कर दी कमाई। सुभान अल्लाह। लेकिन अभी अगर गलती हो गई है तो उसी में ही मतलब अपने आप को ज़हनी परेशानी में ना रखें। क्यों? इसलिए कि इमाम ने इस दफ़ा जब दीदार दी तो इमाम ने कहा कि मैं आपके तमाम गुनाह माफ़ करता हूँ, आपके तमाम गुनाह माफ़ हूँ। अगर आप सच्चे दिल से जमात खाने में जाके जमात खाना शनासी के लेक्चर सुनेंगे, और आप दुआ कराने का लेक्चर अगर दुआ कराते हैं कि तो वो तक सिरदार बंदो सिरता पा गुनेगा, याशा तू गुना बख्शन बख्शन हार, खत्म, गुना माफ़ होगा। गिरिया जारी करके जब आपने शैतान तो उसका जो उसका काम है वो करेगा ना, कुछ होने के बावजूद भी कभी दिल बड़ा मुतमईन हो जाता है और कभी नहीं। इलाज जिक्र नफ्स मुतमईना तक हमें पहुंचना है। नफ्स लवामा तो है, हम नफ्स लवामा, नफ्स अम्मारा और नफ्स लवामा के बीच में हैं। हमारी कोशिश ये है कि पूरा लवामा हो जाए ताकि मुतमईना तक पहुंचे, और इसी के लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। लेकिन पीछे जाके गिल्ट में, रिग्रेट में रह के अपने आप को कोसना नादानी है, और हम नादान नहीं हैं, हम अकलमंद हैं, क्योंकि हमने अकल के रास्ते को ढूंढ लिया है और हम तरक्की करना चाह रहे हैं। तो अब उसको चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए, अब हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना, हमें आगे बढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप काबिल हैं और आप आगे हैं, इस बात को समझें और अपनी काबिलियत को समझें, फिर कोई मुश्किल नहीं, कोई गुनाह नहीं। फिर कितनी अजीब बात है कि जो आप हदूद दीन की बातें कर रहे थे, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं सिर्फ पढ़ लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए जो सही टर्म। और ये किताब आप सबके पास है, हर जजीरा हुज्जत, यानी कि पीर की निगरानी में, कि पीर की निगरानी, पीर के ज़ेर निगरानी दाई मुतलक काम करता है, फिर दाई मुखफ़, दाई मुतलक के ज़ेर साया काम करता है, ऊपर का दर्जा नीचे का दर्जा, फिर दाई मुखफ़ माजून अकबर या हेड मिशनरी के अंडर में काम करता है,
फिर हेड मिशनरी के नीचे कौन होता है? माजून असगर, ये सही टर्म्स हैं। और वो क्या करते हैं? मुस्तजीब को इल्म देते हैं। लेकिन जब तक आप अंडर ट्रेनिंग में हैं ग्रुप के अंदर, फिर यहाँ पे जो है फिर नासिर खुसरू की और बात की है यहाँ पर, जो नाचीज़ ने आपके ग्रुप से की है, आप इसको पढ़िएगा ताकि हम जो है आगे बढ़ सकें। हम दुआएं पढ़ते हैं, समरी पढ़ लेते हैं। इसीलिए आज की तस्बीह नहायत ही है अहम है। वो क्या है? ए वो जो दर्जात को बुलंद करने वाला है, अर्श का मालिक, यानी कि हमारे दर्जात को बुलंद कर अर्श तक, हम ये मांग रहे हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि हुदूद दीन की सीढ़ियों पर हैं मौला, हमें आगे से आगे बढ़ना है। क्या इमाम का फरमान है? मोमिन जो है हमेशा अपने आप को पहले दर्जे पर समझता है, लेकिन मोमिन हमेशा अपने आप को आगे बढ़ने की उम्मीद पर रखता है। एक तरफ आजिज़ी की तालीम दी, दूसरी तरफ क्या कहते हैं? आगे बढ़ो, रुकना नहीं। बिल्कुल। दुआएं क्या हैं? या मौला तू ही है जो पलक झपकने में हमारे दर्जात को बुलंद कर सकता है, आमीन। या मौला हम तेरे दीदार से दूरी के एहसास से दर्द के साथ तुझे पुकारते हैं। या मौला हम अपने गुनाहों से वाकिफ हैं और शर्मिंदा हैं, लेकिन तेरे नाम रहमान रहीम और गफूर है। क्या खुशखबरी है ना इसके नाम में, क्या उम्मीद है। या मौला हमारी कमज़ोर रूहों पर शफीक मादर की तरह रहम फरमा, जो अपने रोते हुए बच्चे को देख नहीं सकती और दौड़ कर उसे अपनी बाहों में भर लेती है। मौला हमारे पास आ जाना। या मौला हम कमज़ोर गुनहगार तेरी मदद के बगैर दर्जात की बुलंदी को नहीं पा सकते। ए प्यारी माँ तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने में हमारी मदद फरमा। या मौला तू हमसे दूर क्यों है? या मौला तू हमसे दूर क्यों है? तू हमसे दूर कैसे रह सकता है? ओ मौला या रफ़ी दर्जात तेज़ुल अर्श, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर इस आर्टिकल को खूबी से इस तरह से पढ़ें, ऐसी दुआएं मांगें, क्यों नहीं होगी गिरियाज़ा, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।